हे स्टूडेंट्स, दिस इज़ द टाइम फॉर केमिस्ट्री क्लासेस ऑफ नाइन्थ क्लास फ्रॉम एनसीईआरटी साइंस बुक. सो ओपन द फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर एनसीईआरटी बुक, दैट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग्स. हम जब भी अपने सराउंडिंग्स में देखते हैं तो हमें लार्ज वेराइटी ऑफ थिंग्स दिखती हैं, एंड जो लार्ज वेराइटी ऑफ थिंग्स होती हैं वो अलग अलग शेप, डिफरेंट डिफरेंट साइज एंड डिफरेंट टेक्सचर्स की होती हैं. जो भी हमारे यूनिवर्स में है सब कुछ मटेरियल से बना है, और उस मटेरियल को साइंटिस्ट ने एक नाम दिया है, वो नाम है मैटर. जो एयर जो हम सांस लेते हैं, जो खाना हम खाते हैं, स्टोन्स, क्लाउड, स्टार, प्लांट्स, एनिमल्स, बेंच, टेबल, बुक, इवन अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर और अ पार्टिकल ऑफ सैंड, सब कुछ एक मैटर है. एवरीथिंग इज अ मैटर. हम जब भी अपने आसपास देखते हैं कि मैटर जो होता है वो हमेशा स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, और उसका एक मास होता है. अगर मास होता है तो आपको पता होना चाहिए मास की एसआई यूनिट जो होती है वो किलोग्राम होती है. जो एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम होती है उसकी होती है क्यूबिक मीटर. तो जो मैटर होता है उसका मास होता है, वॉल्यूम होता है, वो हमेशा ऑक्यूपाई करता है स्पेस को. पुराने टाइम्स में जो ह्यूमन बीइंग्स थे उन्होंने अपनी सराउंडिंग्स को समझने की जो कोशिश की थी उसमें इंडियन फिलोसफर्स जो थे उन्होंने मैटर को फाइव फॉर्म्स में या फाइव बेसिक एलिमेंट्स में बताया था, और उन फाइव बेसिक एलिमेंट्स को इन्होंने नाम दिया था पंच तत्व. इसमें सबसे पहला एलिमेंट जो था एयर, सेकेंड इज अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर. अकॉर्डिंग टू देम हर चीज लिविंग या नॉन लिविंग, ये सब इन पांच बेसिक एलिमेंट्स को मिला के बनी है. मॉडर्न डे के साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने दो टाइप की क्लासिफिकेशन बताई है मैटर की, और ये जो दो टाइप की क्लासिफिकेशन है ये दो चीज़ों पे बेस्ड है, एक तो उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे एंड सेकेंड उनके केमिकल नेचर पे. जो फर्स्ट है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, मैटर का फिजिकल नेचर क्या होता है. मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. हम ये एक एक्टिविटी से समझ सकते हैं मैटर पार्टिकल से मिलके कैसे बना है. सी, अगर हम एक 100 मिलीलीटर बीकर लेते हैं और उसको हाफ पानी से भर लेते हैं और उस पानी को जो लेवल है उसको मार्क कर लेते हैं, फिर हम क्या करते हैं उसमें 1 टेबल स्पून शुगर या फिर सॉल्ट डालते हैं और उसको हम डिसॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्लास रोड. जब हम उसको डिसॉल्व करते हैं तो हम देखते हैं कि जो भी सॉल्ट या शुगर हमारे पास था वो थोड़ी देर बाद डिसअपीयर हो जाता है, पर लेवल वाटर का चेंज नहीं होता. क्यों नहीं होता? क्योंकि जब हम डिसॉल्व कर दिया हमने सॉल्ट का वाटर के अंदर, तो जो पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट हैं वो जो स्पेस था वाटर के पार्टिकल्स के बीच में उनके अंदर एडजस्ट हो जाता है. नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है, हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर. जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं वो कितने स्मॉल होते हैं. हम सबसे पहले इसमें क्या लेते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट लेते हैं, उसके 2 या 3 क्रिस्टल्स हम 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर में डालते हैं. सबसे पहले हम 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर के अंदर डालते हैं, फिर उसमें से हम क्या करते हैं जब सॉल्यूशन वो बन जाता है उसमें से सिर्फ 10 मिलीलीटर लेते हैं, जस्ट 10 मिलीलीटर लेते हैं हम उसमें से, और उस 10 मिलीलीटर को हम 90 मिलीलीटर क्लियर वाटर के साथ मिला देते हैं. जब हमने उसको मिलाया तो फिर से एक 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन तैयार हो जाता है. नेक्स्ट फिर से हम यही प्रोसेस करते हैं, 10 मिलीलीटर उसमें से लेते हैं हम और उसको फिर से 90 मिलीलीटर क्लियर वाटर में मिला देते हैं. अगेन वी वुड गेट अ 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन, और इसी प्रोसेस को हम 7-8 टाइम्स रिपीट करते हैं. जब हम 7-8 टाइम्स रिपीट करने के बाद देखते हैं कि जो शुरू में जो हमारे पास सॉल्यूशन था वो बिल्कुल डार्क पिंक कलर में था, पर उसके बाद जो कलर हुआ वो लाइट पिंक होता जाता है, पर कलर स्टिल रहता है. इसका क्या मतलब है कि जो पहले शुरू में था पोटेशियम परमैंगनेट के जो 2 या 3 हमने एलिमेंट्स लिए थे, जो पार्टिकल्स क्रिस्टल्स हमने उठाए थे,
वो तो उसको डार्क पिंक बना ही रहे थे, पर जब हम आगे आगे उसको और डिवाइड करके डिसॉल्व करते जाते हैं तभी भी उस सॉल्यूशन का कलर पिंक रहता है। तो ये हमें क्या बताता है कि देयर मस्ट बी मिलियंस ऑफ टीनी पार्टिकल सिर्फ एक छोटे से क्रिस्टल में, पोटेशियम परमैंगनेट के छोटे से क्रिस्टल में, और जो हम डिवाइड करते जाते हैं स्मॉलर 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 पार्टिकल्स में। नाउ कमिंग टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर के। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। हम जब पार्टिकल्स ऑफ शुगर सॉल्ट डेटोल या फिर पोटेशियम परमैंगनेट को देखते हैं तो देखते हैं कि ये जब भी हम इनको पानी में घोलते हैं तो ये इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि हम टी कॉफ़ी बनाते हैं या लैमिनेट बनाते हैं तो उसको एक स्पून का टेस्ट अलग आए और सेकेंड स्पून का टेस्ट अलग आए, दैट इज़ इम्पॉसिबल। वो हमेशा इवनली ही डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो इसका क्या मतलब होता है कि जो पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर है वो दूसरे टाइप पार्टिकल्स के अंदर स्पेस में जाके फिट हो जाते हैं, और ये क्या शो करता है कि उनके बीच में इनफ स्पेस है बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर। हम यहाँ पे एक एक्टिविटी ले सकते हैं, दो ग्लास या फिर दो बीकर लेते हैं हम पानी से भरे हुए। एक में, फर्स्ट बीकर में हम कोई भी इंक डाल देते हैं, किसी भी कलर की इंक, रेड और ब्लू वट एवर इट इज़, और सेकंड वन में हम क्या डालते हैं, हनी डालते हैं। हम उसको अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं। तो क्या होता है, अनडिस्टर्ब छोड़ने के बाद जो इंक है वो अपने आप घुल जाती है, पर जो हनी है उसको घुलने में बहुत टाइम लगता है। वो ड्रॉप ऑफ हनी इमीडिएटली नहीं घुलती है, इमीडिएटली हमें नहीं घुली हुई मिलती, तो कुछ आवर्स या कुछ डे लगते हैं उसको घुलने में, पर जो इंक है वो कोई टाइम नहीं लेती, वो सारे में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं। तो ये क्या मतलब होता है कि किसी पार्टिकल ऑफ मैटर में स्पेस ज़्यादा है, किसी पार्टिकल ऑफ मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके अंदर स्पेस कम। पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं कॉन्टिन्यूसली मूविंग होते हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हमेशा एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। यही एक्टिविटी जो हम सेकेंड एक्टिविटी हमने की है, इसी एक्टिविटी से हम ये भी समझ सकते हैं कि जो इंक है वो हमेशा एकदम से घुल जाती है, और जैसे ही वो घुलती है दैट मीन्स वो इंक के पार्टिकल्स है एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाते हैं और सब में, हर पानी के एक एक बूंद में कवर हो जाते हैं। दैट मीन्स पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग, कंटिन्यूसली मूविंग। और इस मूविंग को हम उनकी क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। जो पार्टिकल्स मूव करते हैं कंटिन्यूसली उसको हम काइनेटिक एनर्जी के नाम से जानते हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है पार्टिकल्स ज़्यादा तेज़ मूव करते हैं, तो हम कह सकते हैं इंक्रीज इन टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। जो थर्ड हमारी प्रॉपर्टी है वो है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। हमने देखा होगा कि हम अगर एक चौक का टुकड़ा लेते हैं या कुछ भी लेते हैं वो हमेशा एक ग्रुप बना के रखता है, ग्रुप मीन्स एक चौक पूरा का पूरा बना के रखता है, अट्रैक्ट करता है तभी बना के रखता है, वो जुड़ा रहता है। एक एक्टिविटी दी गई है, किसी ने फोर ग्रुप बनाए हैं और ह्यूमन चेन्स बनाई हैं। जो फर्स्ट ग्रुप है वो बैक टू बैक उसको लॉक करके रखता है आर्म्स पे, और जो सेकेंड ग्रुप है वो सिर्फ हैंड्स को होल्ड करता है, थर्ड ग्रुप सिर्फ टच करके, और फोर्थ ग्रुप है वो इधर उधर भागता है और तीनों ह्यूमन चेन्स को तोड़ने की कोशिश करता है। तो सबसे पहले ग्रुप कौन सा तोड़ पाएगा, वो सबसे पहले जिन्होंने सिर्फ टच करके खड़े हुए हैं, थर्ड ग्रुप, फिर सेकंड ग्रुप, और फर्स्ट ग्रुप को तोड़ना बहुत मुश्किल है क्योंकि वो लॉक्ड हैं। लॉक मीन्स वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, यही इस एक्टिविटी से समझाने की कोशिश की गई है। अब हम एक आयरन नेल लेते हैं, एक चौक का पीस लेते हैं या रबड़ बैंड लेते हैं, इन तीनों को हम तोड़ने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कौन से में ग्रेटर फोर्स रहेगा और कौन से में स्मॉलर फोर्स रहेगा, कौन सा जो है होल्ड किया गया है अच्छे फोर्स से और कौन सा कम फोर्स से होल्ड किया है। तो इन्हीं एक्टिविटीज़ के बेस्ड पे और मैटर की डेफिनेशन के बेस पे हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं। हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर। हमें पता है मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, मैटर ऑक्यूपाइज स्पेस, तो हमें इसमें से बताना है चेयर, एयर, लव इज अ फीलिंग, चेयर एयर आर मैटर, लव इज अ फीलिंग, स्मेल इज नॉट ऑल्सो नॉट अ मैटर,
हेट इज ऑल्सो अ फीलिंग, ऑलमंड्स आर मैटर, थॉट इज नॉट अ मैटर, कॉल्ड इज नॉट अ मैटर, लेमन वाटर इज अ मैटर, स्मेल ऑफ परफ्यूम इज ऑल्सो नॉट अ मैटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें रीजन देना है, द स्मेल है हॉट सिजलिंग फूड की वो सेवरल मीटर्स तक फैल जाती है, जबकि जो स्मेल है कोल्ड फूड की उसकी लेने के लिए हमें उसके बिल्कुल पास जाना पड़ता है। क्यों? हमने यहाँ पे पढ़ा था कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं वो काइनेटिक एनर्जी को प्रोसेस करते हैं, और ये काइनेटिक एनर्जी तब बढ़ती है जब टेम्परेचर बढ़ता है। तो गर्म फूड है दैट मीन्स वो टेम्परेचर बढ़ने से ही गर्म हुआ है, उसका टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। टेम्परेचर ज़्यादा है दैट मीन्स उसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा है, वो ज़्यादा ट्रेवल कर सकता है। इसीलिए हमें जो गर्म फूड की जो स्मेल होती है वो दूर तक आ जाती है, और हमें ठंडे फूड की स्मेल आसानी से नहीं आ पाती। नेक्स्ट है, अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल। जो डाइवर होते हैं वो आराम से वाटर के अंदर से डाइव करके जा सकते हैं, बट ये पॉसिबल नहीं हो सकता आयरन के केस में, वॉल्स के केस में, कुछ और भी हम अगर मैटर लेते हैं, बस सिर्फ वाटर के केस में कैसे पॉसिबल हो जाता है? क्योंकि जो वाटर का अंदर, वाटर के अंदर जो फोर्सेस होते हैं वो बहुत ही वीक होते हैं, और उनको तोड़ने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। हमें बताना है क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर के। हमें तीन कैरेक्टरिस्टिक हमने अभी पढ़े हैं। फर्स्ट वन वॉज पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम, वी कैन राइट इट एज पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव इंटरमोलिकुलर स्पेस बिटवीन दैम। इंटरमोलिकुलर स्पेस मीन्स मॉलिक्यूल्स एंड मॉलिक्यूल्स बिटवीन, दे आर हैविंग स्पेस बिटवीन दैम। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर ऑलवेज मूव कॉन्स्टेंटली या कॉन्टिन्यूसली। थर्ड वन इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। सो स्टूडेंट्स, दिस वॉज आवर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, डेफिनेशन ऑफ मैटर एंड सम क्वेश्चन। टुमारो वी आर गोइंग टू स्टडी फ्रॉम पेज नंबर 4 ऑनवर्ड्स। थैंक यू।